सारी की सारी खुशियाँ आउटसोर्स करी हुई है। आउटसोर्स का मतलब हम बाहरी खुशियाँ देखते हैं, हम एक्सटर्नल हैप्पीनेस देखते हैं। तो जब भी हम पैसा कमाते हैं तो हम क्या खरीदते हैं, बर्थडे करते हैं तो क्या खरीदते हैं, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टीज, कपड़े, क्लोज, अपने बॉडी को सजाने के लिए चीज़ें सीखते हैं, उसी से हम खुश होते हैं। वो एक्सटर्नल हैप्पीनेस है, पर आप वो समझिए सब वो लिमिटेड चीज़ें हैं, उसकी सब एक लिमिटेड लाइफ है और कुछ समय बाद पुरानी हुए ख़त्म हो जाती है। जब भी आप खरीदोगे उसके साथ दुख अटैच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपने बड़ी गाड़ी खरीदी तो बड़ी गाड़ी के जो खर्चे आ जाते हैं रिपेयर, मेंटेनेंस और सर्विसेज के, वो आपको चुभने लग जाते हैं कि अगर आपकी इनकम ना हो तो। हमें हमेशा इंटरनल हैप्पीनेस देखनी चाहिए, हमेशा हमेशा माइंड, फॉल्स ईगो और बुद्धि, सटल बॉडी से ही हमें ऑपरेट करना चाहिए। वो वाली हैप्पीनेस हमें ढूंढनी चाहिए। जिस दिन हम वो हैप्पीनेस ढूंढ लें उस दिन हमें आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हैप्पीनेस। इवन दो अगर आप इंटरनली खुश हो और बाहर आपकी चीज़ें सही नहीं हो रही, बाहर आपको दुख पड़ रहे हैं, तो आपको उस दुख आपको वो दुख जो होता है पकड़ने का या कंट्रोल करने का आपको समाधान मिल जाएगा कि हमें पता है वो दुख तो आएगा, वो दुख जाएगा, खुशी आएगी, दुख आएगी, पर मन हमेशा सच्चित आनंद में रहना चाहिए।